गुड आफ्टरनून गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ देसी कढ़ी, आई मीन गुजराती कढ़ी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या लेना है, खट्टी छाछ। कढ़ी के लिए खट्टी छाछ ही चाहिए, क्योंकि कढ़ी का टेस्ट उसी से ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर सपोज़ दही है तो हम लोग उसको फ्रिज में ना रख कर बाहर 2 दिन के लिए रख सकते हैं, तो वो खट्टा हो जाता है। फिर हम उसे छाछ बना देंगे, फिर उसके अंदर ये बेसन डालेंगे। जितना थिक करना है कढ़ी उस हिसाब से डाल सकते हो। जिसको पतला करना होता है तो वो थोड़ा डालते हैं बेसन, जिसको थिक ज़्यादा थिक करना होता है तो वो उस हिसाब से डाल सकते हैं बेसन। और अब मैं उसको इस ग्राइंडर के हेल्प से पूरा मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्राइंडर के हेल्प से इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम बनाएंगे कढ़ी। तो मैंने गैस ऑन कर लिया है, अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल गरम हो जाए, अब सबसे पहले मैं डालूंगी राई, मस्टर्ड, राई जैसे ही फूटने लगेगा फिर हम डालेंगे ये जो मैंने लहसुन और सूखी मिर्च, कड़ी पत्ता और जीरा और लौंग, ये सब एक साथ डाल दूंगी मैं इसमें। अब मैं डालूंगी इसमें हींग। गैस को स्लो कर देना है, फास्ट गैस में छाछ नहीं डालनी है, गैस को स्लो कर देना है। और अब जो ये छाछ और बेसन का घोल है उसके अंदर हम लोग डालेंगे थोड़ा सा हल्दी और इसको मिलाकर इसके अंदर डाल देंगे। और अब गैस को मीडियम आंच में करकर इसे अच्छे से पकने देना है, जब तक कि इसके अंदर बबल्स ना आ जाए, उबाल ना आ जाए इसके अंदर, तब तक हम इसे पकने देंगे। टेस्ट वाइज सॉल्ट, और जैसे कि गुजराती कढ़ी है तो मैं इसमें थोड़ा सा शुगर डाल रही हूँ। हम कढ़ी को राइस के साथ भी खा सकते हैं, पुलाव के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, फुलका के साथ भी खा सकते हैं। अगर घर में सब्जी ना हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। दही या छाछ तो होता ही है घर पर, तो हम ये भी बना सकते हैं। तो इसे ऐसे हिलाते रहना है थोड़ी देर के लिए और ये बहुत जल्दी बन जाता है, 5 से 7 मिनट्स में बन जाता है। जैसे ये सिंपल कढ़ी है वैसे हम लोग ऑनियन की कढ़ी भी बना सकते हैं, भिंडी की कढ़ी भी बनती है। और मैंने इसमें शक्कर इसलिए डाला है क्योंकि ये कढ़ी फिर खट्टी मिट्टी लगती है, तो अच्छा लगता है ज़्यादा टेस्ट में। और हम लोग नॉर्मली गुजराती लोग स्वीट और खट्टा मीठा सब एक जैसा होना चाहिए हमारे लिए टेस्ट के लिए, तो हम लोग डालते ही हैं। तो ये उबाल आ जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। आप देख रहे हैं, आप इसके अंदर उबाल आ गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये कड़ी मसाला।
तो ये बन गई हमारी सिंपल और सिंपल एंड टेस्टी कढ़ी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।